कृष्णा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स मूव इन डिफरेंट स्टाइल्स। अब अलग अलग स्टाइल में एनिमल्स मूव करते हैं, वो कैसे, कौन से एनिमल कैसे मूव करते हैं। सम एनिमल्स वॉक स्लोली, सम रन वेरी फास्ट, जैसा कि अभी हमने पोएम में पढ़ा है ना, कुछ बहुत तेज वॉक करते हैं, कुछ बहुत मतलब भारी भरकम होते हैं इसलिए धीरे रन कर पाते हैं, है ना, कुछ जंप करके वॉक करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग स्टाइल के हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम एनिमल्स वॉक स्लोली, सम एनिमल रन वेरी फास्ट, सम एनिमल्स जंप एंड सम होप, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्लाई, और बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। एक्टिविटी टू, ट्राई टू कॉपी द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कोशिश करो डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट्स को कॉपी करने की। वॉक ऑन फोर लेग्स, फोर लेग पर वॉक करने की कोशिश करो। यूज़ योर हैंड एज वेल एज लेग्स, आपके हैंड्स और लेग्स का यूज़ करके। देन जंप लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग जैसे जंप करता है वैसे जंप करने की कोशिश करो। और हिप लाइक अ रैबिट, रैबिट की तरह होप करो। हाउ लॉन्ग कैन यू मूव लाइक दिस, कितनी दूर तक आप इस तरह से चल पाओगे। कैन यू मूव लाइक दिस फॉर अ होल डे, क्या आप पूरे दिन के लिए इस तरह से चल पाओगे। कैन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड और स्विम लाइक अ फिश, क्या आप बर्ड की तरह फ्लाई कर सकते हो या फिश की जैसे स्विम करती है वाटर में वैसे स्विम कर सकते हो। नो वी कांट। एनिमल्स दैट कॉल एंड क्रीप, ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने, हमको पता है कि स्नेक और स्नेल जो है वो रेंगने वाले एनिमल होते हैं, या क्रोकोडाइल भी जो है वो ग्राउंड पर कॉरल करता है। तो वो एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ देयर लेग्स फॉर मूविंग आर कॉल्ड कॉरलिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने लेग का यूज़ नहीं करते मूव करने के लिए वो एनिमल्स कॉरल एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स आर स्नेल्स एंड स्नेक, एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पे स्नेल का और स्नेक्स का, ये रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स होते ऐसे होते हैं वो जो क्रीप करते हैं, सम एनिमल्स क्रीप, इट मीन्स दैट दे मूव ऑन हैंड एंड नीज विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, वो क्या करते हैं अपने हैंड्स से और नीज से मूव करते हैं। और लिजर्ड्स कॉरल एंड फ्लाइज आर क्रीपर्स, ये लिजर्ड चिपकली स्कॉरल और मतलब गिलहरी और फ्लाई जो मक्खियाँ होती है वो जो है वो अपने हैंड्स और नीज से मूव करती ग्राउंड पर। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर स्कॉरल एंड समटाइम्स क्रीप ऑन देयर लेग्स, क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो है वो ग्राउंड पर कॉरल करते हैं और कभी कभी वो अपने क्रीपर्स का भी यूज़ करते हैं, हैंड्स और नी का भी यूज़ करते हैं। Did you notice lizards move upside down on the ceiling of your room? आपने notice किया होगा कि हम जब भी हमारे room में कोई चिपकली आती है तो हम उसको देखते हैं वो move करती है upward, upside down move करती ceiling पर मतलब छत पर, तो वो कैसे कर लेती है। Why do they not fall down? वो कैसे छत पर चलती रहती है और फिर भी नीचे नहीं गिर पाती, क्योंकि उसकी जो grip होती है वो उसका hand और knee से उसको grip बनाती है सीलिंग के ऊपर। लिजर्ड्स हैव मैनी टाइनी ग्रूव्स ऑन द बॉटम ऑफ देयर फीट, दीज ग्रूव्स होल्ड द सीलिंग एंड द लिजर्ड डज नॉट फॉल, और इसीलिए लिजर्ड नहीं नीचे गिर पाती है। लिजर्ड्स हाइड देमसेल्व व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार होती है तो अपने आप को कहीं छुपा लेती है, हाइड हो जाती है वो। दे सिलेक्ट प्लेसेस वेयर देयर इज लीस्ट डिस्टर्बेंस, वो ऐसी जगह सेलेक्ट करती है जहाँ पर उनको कम डिस्टर्बेंस हो। दे प्रिफर रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द हाउस और बिहाइंड फोटो फ्रेम, वो ऐसे कॉर्नर्स सेलेक्ट करती है जैसे कि फ़ोटो फ्रेम्स हो या ऐसा कॉर्नर जहाँ पे कोई नहीं आता हो, ऐसा हाउस का कॉर्नर सेलेक्ट करती है। द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर द लिटिल क्रीपी कॉर्लिंग कॉल्ड इंसेक्ट, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये सारे संसार में मिलते हैं इस टाइप के इनसे क्रीपी कॉर्लिंग एनिमल्स, लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं सारे वर्ल्ड में। यू विल फाइंड देम इन कोल्ड प्लेसेस, इनको आप कहाँ पे ज़्यादातर देखोगे, जहाँ पे ठंडी ठंडक मिलती है इनको, वहाँ पर ठंडी प्लेस पर, हॉट प्लेस पर, ड्राई प्लेस पर, इन वाटर एंड इवन अंडर द सॉइल, और सॉइल के अंदर भी इस टाइप के
आपको इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे. देर आर मोर देन 900,000 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स नोन टू अस. 9,000 टाइप्स के इंसेक्ट्स जो हैं वो आपको इन प्लेसेस पर देखने को मिल जाएंगे. और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगी, इन विंटर व्हेन इट इज़ टू कूल, जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, टोड्स, स्नेक्स, बीज एंड बैट्स गो इनटू द हाइडिंग एंड स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये क्या करते हैं, लंबे समय के लिए अपने आप को हाइड कर लेते हैं और वहाँ पे लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं. दे डू इट टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. दिस स्लीप इज कॉल्ड हर्बनाइजेशन. इस स्लीप को क्या कहते हैं, हर्बनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. व्हाट डू इंसेक्ट्स लुक लाइक, कैसे इंसेक्ट्स दिखते हैं. हरे कृष्णा.